हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, जो पूछा ही जाता है हर साल, ठीक है। और उसका वो मेथड दोस्तों जो एक सेकंड में बना सकता है। अगर आपको एक सेकंड से ज्यादा टाइम लगा दोस्तों, तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखें, ठीक है दोस्तों। आपको बिल्कुल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला के साथ बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे दोस्तों, कि बोल रहा है कि आदि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितनों दिनों में करेंगे। अगर हम मान लीजिए आपको कोई भी प्रश्न आता है दोस्तों, जिसमें से ये बोला जाए कि एक आदमी इतना दिनों में काम कर रहा है और दूसरा आदमी इतना दिनों में काम कर रहा है, अगर वो दोनों मिल जाए तो एक साथ काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस आपको एक ही मेथड यूज करना जो हम फॉर्मूला देने जा रहे हैं। जो भी आदमी एक दिन में काम कर रहा है उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे राम 10 दिन में काम कर रहा था, सबसे पहले आपको 10 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा आदमी कितने दिनों में काम कर रहा है उसको भी लिख लेना। तो दूसरा आदमी जो है वो 15 दिनों में काम कर रहा है। ये दोनों को क्या कर देना दोस्तों, गुना कर देना, और सेम डिजिट जो आपने ऊपर लिखा है उसी चीज को नीचे में भी क्या करना आपको लिख देना है। लेकिन सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ पे गुना नहीं देना है, यहाँ पे गुना नहीं देना है। जैसे कि पहला आदमी ने 10 दिन में काम किया, दूसरा आदमी 15 दिन में, तो ऊपर में गुना करना है और सेम डिजिट को नीचे लिखना है दोस्तों। और क्या कर देना है, यहाँ पे प्लस का साइन दे देना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। अब 15 और 10 को गुना करेंगे दोस्तों तो आएगा 150 आएगा, ठीक है, 150 आएगा। और 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। हम जानते हैं दोस्तों 25 चौके 100 होता है, और जब हम 25 को 6 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 150। तो जब वो दोनों काम करेंगे दोस्तों, तो पूरा पूरी कितना दिन में, आने की 6 डेज में उस काम को क्या करेंगे दोस्तों, खत्म कर देंगे। तो ये था बहुत इजी कॉन्सेप्ट दोस्तों। अगर सपोज दैट, चलिए दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर ये कोई आदमी है जो कि मेरे 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और बी जो कोई आदमी है जो कि कोई काम को 15 दिन में कर रहा है। अगर अगर मेरे पास ये पूछ दिया जाए कि अगर जब ये दोनों आदमी मिल जाए, यानी कि ये प्लस बी अगर दोनों मिल जाए, तो उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सी ये तो सेम ले लिया ना ये दोस्तों एग्जांपल। चलिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लिया जाए, सपोज दैट कोई आदमी ए है जो कि कितना दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है, और जो एक बी आदमी है वो कितने दिनों में काम कर रहा है दोस्तों, तो चलो मान लेते हैं 40 दिनों में काम कर रहा है। और हमसे ये पूछ दिया कि जो ए प्लस बी है वो कितने दिनों में काम करेगा, तो हमें करने का जरूरत कुछ भी नहीं दोस्तों, बस सीधा से हमको ये काम करना है कि जो दोनों आदमी काम कर रहे हैं उसको जो मतलब पहले गुना कर देना है, ठीक है। तो पहला 20 काम कर रहा था, गुना कितना कर देंगे दोस्तों, 40, और वही दोनों सेम डिजिट को भागा करके यहाँ पे 20 और प्लस 40 को जोड़ देंगे दोस्तों। तो मेरे पास आंसर जो आएगा दोस्तों वो कितना, 40 20 60 आएगा दोस्तों। और जो नीचे में आएगा दोस्तों, सॉरी 40 और 20 को गुना करना है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, तो 4 2 8 आने की 800 आ जाएगा, कितना दोस्तों, 800। और नीचे में जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 60 आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा, और ये 40 बार में कटेगा, ठीक है दोस्तों, फिर 2 से तो ये 20 बार में, तो मेरे पास आंसर इस प्रकार से आ जाएगा 20 की। अगर वो दोनों मिलेंगे तो कितने दिनों में काम करेंगे दोस्तों, 20 डेज में। तो चलिए दोस्तों अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में बोल रहे दोस्तों कि यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, राम उसी काम को अकेला 10 दिनों में पूरा करता है, तो श्याम उस काम को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज है, यहाँ बोल रहा है यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में करता है, यहाँ पे 2 आदमी है जो कि किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, और बोला राम, फिर यहाँ पे ये बोल दिया कि राम आदि उस काम को अकेला 10 दिनों में करता है, तो श्याम अकेला कितने दिनों में करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से जब भी प्रश्न पूछा जाए आपको, तो बिल्कुल आपको एक ही पंडा यूज करना है दोस्तों। तो करना क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोला गया था, यानी कि पहला आदमी उस काम को क्या कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो राम है वो कितने दिनों में काम कर रहा है दोस्तों, और श्याम किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएगा, एक एक फॉर्मूला बताते चलेंगे। बोल रहे यदि राम और श्याम
किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, राम उसी काम को अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो श्याम उस काम को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। जस्ट लाइक दोस्तों उस क्वेश्चन का उल्टा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में ये था कि एक आदमी इतना दिनों में काम करता है और दूसरा व्यक्ति जो था इतने दिनों में काम करता है, तो जब दोनों मिल जाएगा तो कितने दिनों में काम करेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि यहाँ पे दो आदमी इतना दिनों में काम कर रहा है और एक अकेला इतना दिन में करेगा, तो दूसरा अकेला कितने दिन में कर पाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसका फॉर्मूला हम पहले आपको बताते हैं कि इसका फॉर्मूला हम किस टाइप से लगाते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, पहले के जैसा ही है, ऊपर वाले को गुना कर देना है और इसके पहले वाला में हम जहाँ पे जोड़ देते थे वहाँ पे घटा देना है। घटाना क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसमें से घटाने का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले चलिए समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखें राम और श्याम आने की जब दो आदमी मिल गया, आने की जब इसमें राम मिल गया और प्लस में श्याम मिल गया, तो उस काम को कितने दिनों में कर रहे दोस्तों, 6 दिनों में कर रहे, ठीक है। चलिए और उसके बाद बोल रहा है कि अधे राम जो अकेला है उस काम को 10 दिनों में करता है। तो आप बताइए कि जो श्याम बचा हुआ उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो करना आपको कुछ नहीं है, बस जो ऊपर वाले हैं आने की ऊपर में 6 और 10 को गुना कर देना, जो दो चीजों दिया गया आपको दोस्तों, एक राम श्याम का और एक ओनली फॉर राम का, वो दोनों को ऊपर गुना कर देना और नीचे में क्या कर देना दोस्तों, इसके पहले वाला हम क्या करते थे, जोड़ देते थे, ठीक है। बट इसमें क्या कर देना है, घटा देना। तो अब क्या दोस्तों हम 6 में से 10 घटा सकते हैं क्या? क्या दोस्तों हम 6 में से 10 को घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं घटा सकते, बल्कि हम 10 में से 6 को घटा सकते हैं। तो हम 10 - 6 करेंगे, ठीक है। अब जब हम 10 को हम कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 10 को 6 से गुना करेंगे तो मेरे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 60, और जब हम 10 में से 6 निकालें करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 को काटेंगे तो 2 का टेबल में 2 आएगा दोस्तों, और ये आएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। 2 को काटेंगे तो ये 15 आएगा, यानी कि जो श्याम है उस काम को अकेला कितना दिनों में करेगा दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल 15 डेज में काम करेगा अकेला। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए दोस्तों कि कोई भी दो आदमी बिल्कुल इतना दिनों में काम कर रहा है, एक बंदा अकेला इतना दिन में कर रहा है तो दूसरा कितना दिन में करेगा, तो यही वाला फंडा यूज करना, ऊपर वाले को गुना करना है दोस्तों, और जो नीचे वाले हैं वहां पे घटा देना, जो बड़ा वाला में छोटा घटाना, इस चीज को ध्यान रखना है। बड़े वाले में क्या कर देना दोस्तों, छोटा वालों को घटा देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, इसमें से बोल रहा है कि राम श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसके जो हम पहला क्वेश्चन देखे तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या था, दो आदमी के बारे में बात कर रहा था कि दो आदमी ने मिल करके, पहला आदमी इतना दिन में काम किया, दूसरा दिन आया था ना, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। इसमें बोल रहा है कि तीन आदमी है जो कि सबका काम अलग अलग दिया गया कि ये इतना दिन में काम करता है, ये इतना दिन में और ये इतना दिन में, तो जब तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस पहला क्वेश्चन की तरह है, उसमें दो आदमी थे इसमें तीन आदमी, तो बस लाइक उसी तरह से बनाना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है राम है प्लस में, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो राम है वो किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो श्याम है वो क्या कर रहा है, किसी काम को श्याम जो है वो 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। और जो अनवर है वो अपने काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो वो अपने काम को 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या दोस्तों कि राम 12 दिन में, श्याम 15 और अनवर 20 दिनों में काम कर रहा है। जब ये तीनों मिल जाएंगे, यानी कि आर मिल जाएगा, राम और श्याम मिल जाएगा, और जब अनवर मिल जाएगा, तो जो ये तीनों है दोस्तों ये काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि इसके पहले वाला हम दोनों को जोड़ देते थे जब दो आदमी का बात किया जाता था, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो अब तीनों को ऊपर में क्या करते थे, इसके पहले वाले हम दो को गुना करते थे, अब इसमें तीनों को गुना कर देना ऊपर ऊपर वाले से, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर में कितना दिया गया दोस्तों कि पहला 12 है, दूसरा क्या है दोस्तों मेरे पास 15 है, और जो तीसरा है वो 20 है, ठीक है। अब इसको गुना कर देना ऊपर में, ठीक है दोस्तों, और नीचे में जोड़ देना है। नीचे में क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है, लेकिन ध्यान इस बात का रहे दोस्तों कि दो को गुना करना है फिर जोड़ना है, दो को गुना करना है फिर जोड़ना है। जैसे कि 12 को गुना करना है 15 से, फिर प्लस का साइन देना है, ठीक है। अगर फिर 15 को गुना करना है 20 से, ठीक है, और फिर क्या चीज का साइन देना दोस्तों, प्लस का साइन देना। अब और फिर क्या करना है, यहाँ पे 20 को गुना करना है 12 से, 20 को गुना करना है आपको
बारह से गुना करना है। ठीक है दोस्तों, 20 को गुना करना आपको 12 से गुना कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर हम ऊपर 12, 15 और 20 को गुना करेंगे तो मेरे पास आंसर निकल कर आएगा 3600। और जब हम नीचे को कंक्लूजन करेंगे दोस्तों, जब हम नीचे को कंक्लूजन करेंगे तो मेरे पास आंसर जो निकल करके आएगा दोस्तों, वो निकल करके आएगा मेरे पास 720 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, 720 आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा दोस्तों, और जब हम इसको काटेंगे, भागा डिवाइड देंगे दोस्तों, तो मेरे पास 5 दिन निकल करके आएगा दोस्तों। आप कर लीजिएगा दोस्तों, हम वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करने के कारण दोस्तों पहले कर चुके हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 5 दिन, तो करना कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, ऊपर में सारे को गुना कर देना है दोस्तों, और नीचे में 12 जो ये दिया गया दोस्तों, इसको और 15 को गुना कर देना, फिर जोड़ का साइन देना, फिर 15 और 20 को गुना कर देना, फिर जोड़ का साइन देना, और एक बार क्या करना, 20 और 12 को गुना कर देना। तो मेरे पास इस प्रकार से निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना, तो पूरा पूरी 5 डेज। कुछ भी अगर बोले कि तीन आदमी अलग अलग काम करते हैं, इतना तो साथ मिलकर कितना काम करेगा, तो इस प्रकार से पर्सन को बनाना।